there is the question number 6, exercise 4.3, class 10. The diagonals of rectangle field is 60 meter more than the shorter side. If the longer side is 30 meter more than the shorter side, so find the sides of the field. देखिए डायगनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो शॉर्टर साइड हमने क्या मान ली x मान ली, तो मींस ये हमने शॉर्टर साइड की मान ली हमने x मान ली, ये क्या मान ली शॉर्ट, एक रेक्टेंगल फील्ड है जिसमें की डायगनल क्या है 60 मीटर मोर देन है शॉर्टर साइड का, तो शॉर्टर साइड हमने x मान ली, तो ये डायगनल कितना आ रहा है x प्लस और 60. इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, तो ये लॉन्गर साइड है तो इसको हमने ये कितनी है 30 मीटर मोर देन है, तो ये x प्लस के 30. तो देखिए ये क्या एक रेक्टेंगल है फील्ड है, तो यहाँ पर नीचे एंगल 90 का होता है, तो ये 90 का हो गया, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो गया ए बी सी, तो यहाँ पर हम इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम लेंगे तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का, हाइपोटेन्यूस क्या अपना ए सी, क्या हमारा AC, तो बेस कितना है AB और परपेंडिकुलर क्या हमारा BC, AC कितना दिया x प्लस 60, x प्लस 60 का स्क्वायर इक्वल टू AB दिया है x प्लस 30 और BC कितना दिया, BC दिया है x, ये x, अब उसको ओपन करेंगे तो A प्लस B का स्क्वायर, तो A प्लस B का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के टू ए और ये बी, इसको ये प्लस बी के स्क्वायर ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस के टू ए और बी और प्लस का ये एक्स स्क्वायर ओपन किया, एक्स स्क्वायर 6 6 36 और 2 6 12 जीरो और ये एक्स, ये एक्स स्क्वायर 3 3 9 ये 900 और 2 3 6 60 और प्लस का ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर और प्लस 3600 प्लस 120x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितने आएंगे आपके 2x स्क्वायर, ये हुआ आपके 2x स्क्वायर प्लस 900 और प्लस का 60x. अब देखिए इसको ले आएंगे सभी को क्या उधर ले आएंगे, तो 2x स्क्वायर लिखा यहाँ इसको ले आएंगे तो माइनस का x स्क्वायर हो गया और प्लस का ये कितना है 120x, सॉरी अब कितना है 900 है ये 900 या पहले प्लस 60x लिख दिया और यहाँ पर ये प्लस का है 120 आ जाएगा कितना होगा माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का 120 है, अब ये कितना है प्लस का 900 और ये रह जाएगा तो माइनस का 3600 इक्वल टू बी, 2x स्क्वायर में से 1x स्क्वायर गया तो ये आ गया आपका x स्क्वायर और 120 में से 60 माइनस किया तो ये माइनस का ये आ गया आपका 60x और 3600 में से 900 माइनस किया तो 3600 में से 900 माइनस किया 0 0 सिक्स 2700 आएगा, ये आ गया आपका 2700 इक्वल टू जीरो. अब देखिए यहाँ करते हैं x square माइनस के 60x और माइनस के 2700 इक्वल टू, इसके फैक्टराइजेशन करते हैं तो अभी हम जीरो नहीं लेते हैं तो मल्टीप्लाई करने पर अपन ये 2700 लेते हैं और प्लस माइनस करने पर 6, तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये 90 माइनस के 30, तो 90 माइनस 30 गए तो 60 और 90 का 9 3 27 और ये 2 0 हो गए, ये x और माइनस के 2700 इक्वल टू 0. अब देखिए नेक्स्ट x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन किया ये 90x और माइनस माइनस प्लस ये 30x और माइनस का 2700 इक्वल टू 0. अब देखिए कॉमन लेते हैं यहाँ पर x कॉमन लिया तो x माइनस के लिए आ गया 90, यहाँ कॉमन लेंगे 30 तो यहाँ आ गया x और प्लस माइनस माइनस और यहाँ 90 से मल्टीप्लाई 2700 इक्वल टू 0, x माइनस 90 x माइनस 90 x माइनस के 90 और ये आ गया x प्लस का 30 इक्वल टू 0. अब क्या करेंगे, अब इसको जीरो इक्वल करेंगे और इसको करेंगे तो x माइनस के 90 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू ये 90.
अब x प्लस के 30 इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू माइनस के 30 विच इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, डब्ल्यू क्या होगी, पॉसिबल नॉट पॉसिबल होगी। तो यहाँ ये लेंगे हम पॉजिटिव, तो शॉर्टर साइड दे देंगे हमारी, शॉर्टर साइड x इक्वल टू क्या आएगी 90 मीटर और लॉन्गर साइड क्या आएगी, x प्लस के 30 तो x के पास अपना 90 और प्लस के 30 कितना आ गया 120 मीटर आपका।